हेलो गाइस, मैं आज आप लोगों को पब्लिक इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स टाइप्स ऑफ गुड्स वो कराने जा रही हूँ। तो टाइप्स ऑफ गुड्स करने से पहले सबसे पहले हमें इकोनॉमिक्स के अंदर ये पता होना चाहिए कि गुड्स क्या होती हैं। ठीक है, क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर गुड्स? एक आइटम जो हमारी दो चीज़ को सेटिस्फाई करे। सबसे पहली बात हमारी सेटिस्फाई करे वो वॉन्ट्स को, ठीक है, और उसके बाद हमें वो कहीं ना कहीं उससे हमें यूटिलिटी प्रोवाइड हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप एक ड्रेस खरीदना चाहते हो, आपने एक ड्रेस खरीदी तो उसने सबसे पहले आपकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया, ठीक है। और सेकेंडली क्या हुआ, जब आपने उस ड्रेस को खरीदा पहना तो वो आपको एक सेटिस्फेक्शन देती है, एक यूटिलिटी देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, यूटिलिटी देती है। और किसी भी आइटम के अंदर ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स, हमारी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करना और हमें यूटिलिटी देना, ये करैक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो वो क्या कहलाती हैं, हमारी वो आइटम्स हमारी क्या कहलाती हैं, वो आइटम्स हमारी गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। अब हमने गुड्स तो पता कर लिया होती क्या है, अब पब्लिक इकोनॉमिक्स के अंदर टाइप्स ऑफ पब्लिक गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स के नाम से एक टॉपिक है पब्लिक गुड्स, तो वो डिफरेंट डिफरेंट गुड्स हम वहाँ पर देखते हैं। तो वहाँ पर हम पब्लिक गुड्स के बारे में पढ़ते हैं, हम प्राइवेट गुड्स क्या होती हैं उसको पढ़ते हैं, हमने क्लब गुड भी पढ़नी है, कॉमन गुड पढ़ते हैं, मेरिट गुड पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन डिफरेंट डिफरेंट गुड्स की, तो सबसे पहला जो हमारा मेन पॉइंट है वो है पब्लिक गुड्स। वैसे तो देखो नेम से ही आप लोगों को पता चलता है पब्लिक, जब कहीं भी वर्ड आ जाता है पब्लिक इकोनॉमिक्स में तो उससे ही ना ये चीज़ तो आपको समझ लेनी चाहिए कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है वो उसमें आ गई है। देखो, जो गुड्स पब्लिक गुड्स आर कॉमनली अवेलेबल टू ऑल पीपल, जितने भी लोग हैं एक सोसाइटी के अंदर सबके लिए अवेलेबल होती है, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। और उन गुड्स में दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, नॉन राइवलनेस होनी चाहिए और एक नॉन एक्सक्लूजन होना चाहिए। अब सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन राइवलनेस क्या होती है और नॉन एक्सक्लूजन क्या होता है। इसके लिए आपको इन दोनों वर्ड्स का मतलब पता होना चाहिए। पहले नॉन राइवलनेस का मतलब अगर आप देखो, राइवलनेस क्या होती है, इट मीन्स डैट जब वन पर्सन यूज अ गुड्स डज नॉट प्रिवेंट अदर फ्रॉम यूजिंग इट, मतलब जब कोई भी एक पर्सन किसी गुड्स को यूज़ करता है, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरे पर्सन के लिए वो गुड जो है कम बचे, तो डेट्स इज नॉन राइवलनेस, ठीक है। और नॉन एक्सक्लूजन क्या होता है, एक्सक्लूजन क्या होता है, किसी चीज़ को किसी को निकाल देना उसमें से। लेकिन जब हम निकाल नहीं सकते किसी गुड्स के यूज़ करने से, हम किसी को मना नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, तो डेट इज़ नॉन एक्सक्लूजन। इसका हमने एग्जाम्पल नेशनल डिफेंस से मैं इस दोनों को बताती हूँ कैसे। जैसे मान लो डिफेंस सर्विसेज है या लॉ एंड ऑर्डर सर्विसेज है, गवर्नमेंट क्या करती है, ये सभी लोगों को प्रोवाइड करती है। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक पर्सन उसका ज़्यादा यूज़ कर लेगा तो दूसरे के लिए वो कम बचेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर नॉन राइवलनेस होगी। और नॉन एक्सक्लूजन भी है कि हम किसी को निकाल नहीं सकते कि हाँ आप इसका यूज़ नहीं कर सकते तो आपको हम निकाल देते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो जहाँ पर ये दोनों करैक्टरिस्टिक्स होंगी वो गुड्स हमारी क्या कहलाती हैं, पब्लिक गुड्स। अब अगर हम पब्लिक गुड्स के बाद आते हैं प्राइवेट गुड, प्राइवेट गुड में क्या है, जो दो करैक्टरिस्टिक्स उसमें थी इसमें वो बिल्कुल भी नहीं होती। सबसे पहला एक्सक्लूजन और दूसरा राइवलनेस। वो गुड्स जिनमें ये दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं एक्सक्लूजन की और राइवलनेस की, वो हमारी प्राइवेट गुड कहलाती हैं। जैसे देखो, अ प्राइवेट गुड इज़ अ गुड डैट इज़ परचेज एंड यूज बाय वन पार्टी एंड इट्स नॉट अवेलेबल टू अदर पार्टी। इसका मतलब ये है कि अगर दो पार्टी हैं उसमें से कोई एक पार्टी उस गुड्स को परचेज कर लेती है, यूज़ कर लेती है, तो दूसरे के लिए वो कम रह जाएगी, ठीक है। इसमें दो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं मेन, डैट इज़ एक्सक्लूजन एंड राइवलनेस। एक्सक्लूजन होता है हम किसी को निकाल सकते हैं, राइवलनेस होता है कि अगर एक ने ज़्यादा यूज़ कर लिया तो दूसरे के लिए वो जो है कम बचेगी या नहीं बचेगी। जैसे प्राइवेट गुड्स ऐसे, तो जितने भी गुड्स अगर आप देखो, जैसे आप रेस्टोरेंट में गए डिनर करने, तो रेस्टोरेंट में डिनर कौन कर सकता है, जिसके पास पैसे होंगे वही जाएगा, अदरवाइज क्या करेगा, रेस्टोरेंट का ओनर क्या करता है, वो हमें एक्सक्लूड कर देगा, निकाल देगा। तो जिसके पास यहाँ पर क्या है, एक्सक्लूजन का भी राइट है और राइवलनेस, दोनों ही करैक्टरिस्टिक्स होती हैं प्राइवेट गुड में, तो ये गुड्स हमारी क्या कहलाती हैं, प्राइवेट गुड्स कहलाती हैं। अब आते हैं क्लब गुड्स। अब नेम से ही पता चल रहा है क्लब गुड क्या होती हैं, क्लब गुड क्या होती हैं, पब्लिक गुड्स की एक, जो पब्लिक गुड होता है उसका एक सब पार्ट है, मतलब
पब्लिक गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं तो उसमें कौन सी गुड आती हैं, क्लब गुड आती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें हम किसी को निकाल सकते हैं बट राइवलनेस नहीं होती, नॉन राइवलनेस, एक्सक्लूजन कर सकते हैं जब तक कि कंजक्शन अकर नहीं होता। मतलब इसमें क्या होता है, क्लब गुड के अंदर आप किसी पर्सन को उस गुड के कंजप्शन से निकाल सकते हो बट किसी तरह का कोई राइवलनेस नहीं होती। एग्जांपल के तौर पर आप ये लगाओ, नॉन कंजस्टेड टोल रोड इज़ एन एग्जांपल ऑफ क्लब गुड। कैसे, जैसे मान लो टोल हम टोल पे करते हैं, कोई भी आपको ट्रांसपोर्ट लेके जाना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, रास्ते में वो डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, टोल आते हैं। तो क्या होता है, जो बंदा टोल पे नहीं करेगा वो अपना ट्रांसपोर्ट वहाँ से वो लेके नहीं जा सकता आगे उस रास्ते से, तो फिर पहले तो उसको टोल पे करना पड़ेगा, जो टोल पे करेगा वही आगे जाएगा। तो वहाँ पर क्या हो गया, एक्सक्लूजन हो गया ना, आप उसको निकाल सकते हो जो नहीं पे करेगा। एंड देन सेकेंड इज, ऐसा तो नहीं है कि किसी एक बंदे ने उस सड़क का अगर ज़्यादा यूज़ कर लिया वहाँ से निकलने के लिए तो दूसरे के लिए वो कम बचेगी। तो ये नॉन कंजस्टेड टोल रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ क्लब गुड, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लब गुड हो गया, जिसमें दो करैक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी, कि आप एक्सक्लूजन कर सकते हो बट किसी तरह का कोई कंपटीशन जो है नहीं होता। अब इसके बाद होता है मैरिट गुड। मैरिट गुड देखो क्या होती है, देखो मैरिट गुड नेम से पता चल रहा है कि इसका ना कुछ सोसाइटी पर जो इम्पैक्ट है, पहली बात तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंडली क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या होता है, इस गुड को गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। द गुड्स विच आर कंसिडर्ड टू बी सोशली डिजायरेबल, कई बार गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि कोई भी गुड्स जो सोसाइटी के लिए अच्छी है लेकिन कहीं ना कहीं या तो वो अंडर प्रोडक्शन होता है उसका या फिर उसका अंडर कंजप्शन हो रहा है, तब गवर्नमेंट क्या करती है, एक सोसाइटी के एक सेक्शन के लिए उसको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है या फिर उससे थोड़े बहुत हमसे चार्जेस लेती है, ठीक है। एंड इनके अंदर दोनों करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, इस गुड्स में राइवलनेस भी होती है और एक्सक्लूजन भी होता है, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो और राइवलनेस भी है। जैसे कि मान लो, जैसे कि गवर्नमेंट है, एजुकेशन लगा लो, एजुकेशन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ मेरिट गुड। कैसे, एजुकेटेड लोग हैं, गवर्नमेंट को वैसे भी फ़ायदा है, दो तरीके से फ़ायदा है। एजुकेटेड लोग होंगे तो क्राइम रेट इकोनॉमी में बहुत कम होगा, और जब क्राइम रेट इकोनॉमी में बहुत कम होगा तो वो लोग प्रोडक्टिव काम में लगेंगे, कहीं ना कहीं कल को उनकी इनकम बढ़ेगी, कल को वो टैक्स पेयर बन सकते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उनकी इनकम बढ़ेगी तो गवर्नमेंट का रिवेन्यू भी बढ़ेगा। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट क्या देखती है कि अब फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं इसको प्रोवाइड कराती, तो क्या है, मान लो गरीब बच्चों के लिए गवर्नमेंट कह दे कि सिक्स से कुछ सेक्शन के लिए गरीब बच्चों के लिए जो प्राइमरी एजुकेशन है गवर्नमेंट कह दे वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट कराती है कई बार अगर ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो ये क्या होता है, मेरिट गुड का एग्जांपल हो गया। या फिर आप ये लगा लो, मिड डे मील स्कीम जो होती है स्कूल्स के अंदर, जो डिफरेंट, ठीक है, तो वो किसके लिए होती है, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, और गवर्नमेंट सभी को तो नहीं खाना फ्री प्रोवाइड करा रही, गवर्नमेंट जो गरीब बच्चे हैं और जो छोटी क्लासों में बच्चे होते हैं, तो जैसे मान लो 6 से 8 तक आए वो, तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट जो भी फूड प्रोवाइड कराती है वो किसका एग्जांपल हो गया, मिड डे मील का, तो वो किसका एग्जांपल हो गया, मेरिट गुड। मतलब सोसाइटी को इससे कल को फ़ायदा है ही है, ठीक है। आप वैक्सीनेशन लगा लो, मान लो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले अब तो वैसे गवर्नमेंट ने फ्री कराया है वैक्सीनेशन, अगर गवर्नमेंट थोड़ा बहुत चार्जेस लेती गरीब लोगों से तो वो भी मेरिट गुड का एग्जांपल हो जाता, ठीक है। अब अगला कॉमन गुड, देखो वैसे तो नेम से पता लगा, कॉमन का मतलब है ये ज्योग्राफिकल एरिया से स्पेसिफाई होती है। मतलब क्या होती है, ये गुड्स जैसे मान लो, आपका घर जंगलों के आसपास है, ठीक है, इस गुड्स को समझने के लिए, जैसे आपका घर जंगलों के आसपास है, तो जंगल के आसपास है तो वहाँ पर क्या होता है, जंगलों के आसपास अगर आपका घर है तो वहाँ पर आपको टिम्बर मिलेगा, लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स होते हैं, जंगलों में बहुत से आपके रॉ मटेरियल प्रोवाइड होता है। तो और या फिर फिशिंग का एग्जांपल लगा लो, आपके आप जहाँ रहते हो वहाँ पर एक पॉन्ड फैसिलिटी है, वहाँ पर आप फिशिंग कर सकते हो, तो उस रिसोर्सेज जो फिशिंग वाला रिसोर्सेज है उसका यूज़ कौन कर सकता है, हर कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता। ये तो है नहीं कि मान लो आप किसी दूसरे स्टेट में रहते हो, वहाँ पर आप उस
फिशिंग रिसोर्स का यूज़ करने के लिए वहाँ जाओगे। लेकिन जो लोग वहाँ रहते हैं, जिन लोगों का घर उनके आसपास है, तो लोग वो लोग क्या करते हैं, वो उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, वो उस रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, तो वो रिसोर्सेज उन लोगों के लिए होता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन पूल रिसोर्सेज, जो वहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए अवेलेबल होता है। इसमें क्या होता है, इसमें राइवलनेस तो होती है, कॉम्पिटिशन होता है, बट आप इसमें किसी को निकाल नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूँ आपको रिले और ओल का, ठीक है। अब मान लो रिले और ओल है, उनके उधर फिशिंग की फैसिलिटी है, मतलब वो पोंड है, झील है, जहाँ से वो फिशिंग कर सकते हैं। दो लोग हैं मान लो रिले और ओल, अब दोनों में से आप किसी को नहीं रोक सकते, ना आप रिले को रोक सकते हो ना आप ओल को रोक सकते हो, ठीक है। कि तो रिले और ओल में से आपने किसी, आप किसी को नहीं रोक सकते। तो क्या होता है, अगर रिले पहले फिशिंग करने चला जाएगा तो सारी की सारी फिश वो निकालेगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ओल के लिए क्या होगा, कम बचेगी। जब ओल के लिए कम बचेगी तो इसका मतलब क्या है, आप किसी को एक्सक्लूड नहीं कर सकते उसका यूज़ करने से, लेकिन क्या है उसमें नॉन राइवलनेस है, कि अगर एक ने ज़्यादा निकाल ली तो दूसरे के लिए जो है वो कम बचेगी। और दूसरा क्या पता चलता है इस गुड से, कि वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उस रिसोर्सेज के आसपास, वही इसका कॉमनली ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा कॉमन गुड्स हो गया। अब एग्जांपल से इन सभी गुड्स को एक हम स्पेसिफाई समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट गुड्स, राइवलनेस भी होती है उसमें, हमने पढ़ा था और हमने देखा है कि राइवलनेस भी होती है और कहीं ना कहीं एक्सक्लूजन भी होता है, कि आप निकाल भी सकते हो और क्या है, एक्सक्लूजन भी है और राइवलनेस भी है, दोनों चीज़ प्रोवाइडेड हैं, तो प्राइवेट गुड होगी। प्राइवेट गुड में तो आप कुछ भी ले सकते हो। पब्लिक गुड हो गया नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर फैसिलिटी, वहाँ पर ना तो कोई कंपटीशन होता है ना ही कोई एक्सक्लूजन होता है, तो दैट इज़ अ पब्लिक गुड। कॉमन गुड्स मैंने आपको बताया, वो रिसोर्सेज जो आपके उस एरिया में स्पेसिफाई अवेलेबल होते हैं, जैसे कि मान लो फिश हो गया, आप वहाँ से टिम्बर ले सकते हो, आप वहाँ से कोल ले सकते हो, तो वहाँ पर एक्सक्लूजन तो पॉसिबल नहीं है, बट नॉन राइवलनेस, जो राइवलनेस है वो होती है, राइवलनेस होती है और एक्सक्लूजन पॉसिबल नहीं है, तो वहाँ आप किसी को निकाल नहीं सकते। क्लब गुड हो गई, जैसे कि मान लो सिनेमा हो गया, प्राइवेट पार्क हो गए, जहाँ पर एक्सक्लूजन पॉसिबल है, आप निकाल सकते हो, बट वहाँ किसी तरह का कोई कॉम्पिटिशन जो है वो नहीं है, ठीक है। तो डेट्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।